ये हमारा SQL का दूसरा क्लास है और इस SQL की दूसरी क्लास में हम लोग अपने टेबल पे की लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो कीज और कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं ये देख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो कीज हैं वो है प्राइमरी की और यूनिक की। एक एक करके इनको ध्यान से देखेंगे और टेबल पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल के किसी भी एक एट्रीब्यूट पर आप लगा सकते हो। लगाने को आप मल्टीपल एट्रीब्यूट पर भी लगा सकते हो, लेकिन उसको लगाने का तरीका अलग होता है। उस वक्त वो प्राइमरी की नहीं रहती, उस वक्त वो बन जाती है कंपोजिट की। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आप अगर प्राइमरी की किसी टेबल पर लगाते हो तो वो एक एट्रीब्यूट पर लगेगी, ओके। अगर आप उसको मल्टीपल एट्रीब्यूट पर लगाओगे तो वो बन जाएगी कंपोजिट की। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी एट्रीब्यूट पर आपने प्राइमरी की लगा दिया तो उस एट्रीब्यूट में रिपीट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। आप प्राइमरी की को टेबल पर एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, यानी उसको बार बार नहीं लिख सकते। टेबल में एक बार प्राइमरी की लिखी जाती है। अगर किसी एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगा हुआ है तो आप उसको नल वैल्यू नहीं दे सकते, उसमें वैल्यू देना कंपल्सरी हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेबल को जब हम किसी दूसरी टेबल से रिलेशनशिप में क्रिएट करते हैं, यानी दूसरी टेबल से जब कनेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो टेबल वन है जिसको आप टेबल टू से कनेक्ट करना चाहते हो, टेबल वन में एक प्राइमरी की जरूरी होना चाहिए। अगर उस टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो आप उसको टेबल टू के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कनेक्टिविटी में ये सबसे अहम रोल प्ले करती है। कोई दूसरी की है ही नहीं जो आपको क्रिएटिविटी यानी कनेक्टिविटी कर दे, ओके। अब देखते हैं यूनिक की का क्या काम होता है। यूनिक की और प्राइमरी की में एक ही सिमिलैरिटी होती है कि रिपीट वैल्यू प्राइमरी की नहीं लेता और रिपीट वैल्यू यूनिक की भी नहीं लेता। किसी भी एट्रीब्यूट पर आप यूनिक लगा दीजिए, रिपीट वैल्यू वो भी नहीं लेगा। अब सारी की सारी डिसिमिलैरिटीज है। पहली डिसिमिलैरिटी, टेबल में प्राइमरी की एक बार आप लिख सकते हो, लेकिन यूनिक की आप टेबल में कई बार लिख सकते हो, हर एक एट्रीब्यूट पर अलग अलग लगा सकते हो। प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेता, बट यूनिक की नल वैल्यू ले लेता है, इसमें आप नल वैल्यू डाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी की दूसरी टेबल से कनेक्टिविटी के समय यूज होती है, लेकिन यूनिक की दूसरी टेबल से कनेक्टिविटी के दौरान यूज नहीं होती है। तो चलिए इनको दोनों को टेबल पर लगाकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेम्परेरी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ जो हमने डेटाबेस बनाया था, उसका नाम था यूज डेटा ASP। अब इसमें चेक करेंगे कि कितना टेबल हम लोगों ने बनाया था। तो क्यों ना मैं इस पूरी कमांड को एक नई टैब में ले लूं ताकि आप तक वो नोट्स पहुंच जाए। सो आई क्रिएट अ न्यू टैब, जस्ट यूज इट और यहां पर हम उसे यूज करते हैं। तो मैंने यहां लिखा क्रिएट, हाँ जी बोले, ओके कोई बात नहीं। देखिए यहां पर नेक्स्ट हमने लिखा, यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिज डॉट टेबल्स। अब हम इस कमांड को रन करेंगे तो इसमें जितना टेबल है सब दिखेगा। इसमें ऑलरेडी एक टेबल हमने बना लिया था। अब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पर, प्रोडक्ट टेबल, और उसमें मैं आपको प्राइमरी की और यूनिक की का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। इसमें मान लीजिए कोई ऐसा एट्रीब्यूट आपको लगता है जो बहुत ही प्राइम है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर बाकी सारे रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं, उसको आप प्राइमरी की बनाएं। तो वो एट्रीब्यूट हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी। इसके ऊपर मैंने लगाया वेयर कैर और यहाँ करा साइज मेंशन। यहाँ पर हम लगा देंगे प्राइमरी की, कुछ इस तरीके से लगती है प्राइमरी की, खत्म। अब ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट यानी की एट्रीब्यूट बन चुका है। दूसरी फील्ड हम लेते हैं प्रोडक्ट का नाम, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट का नाम, तो ये बन गया मेरा दूसरा एट्रीब्यूट, दिस वन, ये भी हो गया। अब मैं लिखता हूं, मान लीजिए प्रोडक्ट का कोई बार कोड है, बार कोड, ठीक है, कोई भी एक नंबर है बार कोड का। अब मैं उस नंबर को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं, तो मैंने बिगिन ले लिया, बड़ा नंबर डाल पाऊंगा। अब ये जो बार कोड मैं यहाँ इस प्रोडक्ट में डाल रहा हूँ न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, और ये यूनिक होना चाहिए, हर बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लगा दिया यूनिक के लिए, तो ये लगेगा नहीं। एक डालते हैं प्रोडक्ट की कोस्ट, देख सकते हैं एरर आ रहा है, एक डालते हैं मैंने प्रोडक्ट कोस्ट, क्योंकि प्राइमरी की टेबल में एक से ज्यादा बार नहीं लगती, आप उसको मल्टीपल टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यूनिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिक अप्लाई कर सकते हो आप, यूनिक की लगा सकते हो आप, तो यहाँ पर आपकी यूनिक की लग जाएगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए इसमें एक एट्रीब्यूट और आता है जिसका नाम है प्रोडक्ट, एनीथिंग एल्स, कोई एक ऐसी यूनिक चीज आप लेना चाहते हैं,
तो आप देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट पर भी अगर यूनिक लगाएंगे तो लग जाएगा, क्योंकि यूनिक की मल्टीपल टाइम लगाया जा सकता है, देखो एरर नहीं है आपका। तो फिलहाल मैं एक लगा के आपको ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। बन गया टेबल, आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट कर दीजिए, टेबल क्रिएटेड। अब हम इसमें रिपोर्ट डालकर चेक करेंगे, एक एक पैरामीटर को चेक करेंगे कि प्राइमरी की यूनिक यहाँ किस तरीके से काम कर रही है। अब मैं यहाँ पर रिपोर्ट डालूंगा, लेकिन प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट पे लगा हुआ है जिसका नाम है प्रोडक्ट आईडी, उसमें मैं रिपोर्ट एंटर नहीं करवाना चाहता। तो देखते हैं क्या ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का बार कोड और प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये लिखा मैंने वैल्यूज, दैट्स फिनिश। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाला लैपटॉप, प्रोडक्ट का बार कोड डाला दिस वन, प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली दिस वन। अब मैं टेबल को रन करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरर। एरर क्यों मिलेगा? सिंपल सा उसूल है कि जब आप कोई डेटा डालते हो, नाम देखो, पहली चीज तो डबल कोट्स में नहीं जाता, सिंगल कोट्स में जाएगा वो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मैंने डबल लगा दिया, सिंगल में डेटा जाता है सिक्वल में। अब आप इस रिकॉर्ड को जब डालेंगे तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगा आईडी का, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी में जब आपने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला तो सिस्टम उसमें नल एंटर करेगा और प्राइमरी की नल वैल्यू लेता ही नहीं है। यू कैन चेक इट, नल वैल्यू का दिक्कत आ गया, डज नॉट अलाउ द नल, तो उसको प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये हमने पहला रूल देखा कि भैया इसको दिक्कत है। अब देखिए मैं बार कोड में वैल्यू नहीं डालूंगा और आईडी में वैल्यू डाल दूंगा, ये ले लेगा, क्योंकि बार कोड पर यूनिक की लगाया है आपने और यूनिक की नल वैल्यू ले लेता है। इस चीज को यहां से देखिए, मैं प्रोडक्ट की एक आईडी जनरेट करता हूं एंड द आईडी इज P1। तो यहां देखिए मैंने क्या क्या डाला, आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट। व्हेन आई रन, मैंने बार कोड में कुछ नहीं डाला है तो बार कोड में नल वैल्यू चला जाएगा, क्योंकि यूनिक जो होता है वो नल वैल्यू ले लेता है। अब आप इसे रन करेंगे तुरंत लेगा, ये देखिए। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको बातें कही थी वो साबित हो रही है यहाँ पर कि किस तरीके से प्राइमरी की और यूनिक की का महत्व होता है, किस तरीके से वो वर्क करती है। यू कैन चेक इट, बार कोड आ गया यहाँ पर, नल वैल्यू अलाउड है। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है। डुप्लीकेट वैल्यू का अर्थ है कि अगर मैं आईडी सेम डाल दूं, ठीक है, और इसे रन कर दूं, ये मुझे एरर दे देगा, आईडी सेम नहीं जा सकती, लैपटॉप चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन आईडी की वजह से कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा, कमांड आपकी फेल हो जाएगी। यू कैन चेक इट, प्राइमरी की कंस्टेंट फेल है। अब मैं यहाँ पर आईडी को चेंज कर देता हूँ, आईडी को चेंज करके मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट आईडी 2, और मैं इस कमांड को रन करूंगा तो भी ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा? कि बार कोड में दोबारा नल जा रहा है, नल वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और यूनिक की में तो रिपीट वैल्यू जाती नहीं है। तो जैसे ही आप ये रन करेंगे, अब ये यूनिक की पकड़ लेगा, इसको यूनिक की पकड़ लिया, भले नल ले सकता है लेकिन नल रिपीट भी नहीं ले सकता। ये एक बार चला गया नल तो वैल्यू रिपीट हो रही है ना दूसरी, तो रिपीट वैल्यू नल अलाउ नहीं करेगा यूनिक की, तो इस वजह से दिक्कत आ रहा है। अब मेरे को बार कोड में वैल्यू डालना पड़ेगा, तो पी बार कोड, अब मैं बार कोड डालता हूं यहां पर, तो बार कोड मैंने डाल दिया समथिंग लाइक दिस दिस दिस। अब हम इस कमांड को रन करते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि वो एक्सेप्टेबल है। यू कैन चेक इट। आई होप सो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से आप बार कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप यूनिक की इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। अब मैं इस टेबल में से फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, बार कोड और पोस्ट वाली फील्ड को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये दोनों जो रिकॉर्ड है, बार कोड और पोस्ट वाले, इसको मैं दूसरी टेबल में एडजस्ट करूंगा, ठीक है, कनेक्ट करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की और उसको प्रोडक्ट टेबल से कनेक्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको बार कोड भी मिलेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मिलेगी। तो इसके लिए मैं दोनों रिकॉर्ड यहाँ से हटा देता हूँ। रिकॉर्ड को हटाने के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप लगाते हैं ऑल्टर टेबल और फिर उसके बाद लिखते हैं टेबल का नाम, फिर आप लिखते हैं ड्रॉप कॉलम, और कौन सा कॉलम आपको ड्रॉप करना है, पी बार कोड। अगर मैं ये कमांड रन कर देता हूं तो ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, ये गया खत्म। ये क्या बोल रहा है, फेल बिकॉज ओवर मोर ऑब्जेक्ट एक्सेस दिस कॉलम। ओके, चेकआउट करते हैं कि ये मुझे ये एरर क्यों दे रहा है, इसके आरएनडी करते हैं, टेबल पे गए और हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, एस पी हेल्प प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इसको रन करते हैं। और किसी पर यूनिक की, प्राइमरी की कोई की कंस्ट्रेंट्स लगा होता है तो टेबल को डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको उसकी की हटाना पड़ता है, ठीक है। की हटाने के लिए हमारे पास अलग कमांड होती है, ऑल्टर के साथ चलती है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो अभी बार कोड को मैं ये रहने दूंगा, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कोड आ रहा था जिसका नाम था पोस्ट, उसको हम हटाएंगे। अब अगर टेबल से प्राइमरी की वाले कॉलम को भी हटाएंगे तो भी वो दिक्कत देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी एट्रीब्यूट पर अगर कोई की या कंस्टेंट्स लगा होता है उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते, ठीक है।
तो पहले उस पे से वो की कंस्टेंट्स हटाना पड़ता है, उसके बाद आप उसे हटा पाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें से प्रोडक्ट की कोस्ट वाले कॉलम को हटाते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और ड्रॉप कॉलम, और कौन सा कॉलम है, प्रोडक्ट कोस्ट। ये मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा और ये उसे हटा डालेगा। मैंने लिखा ड्रॉप कॉलम, ये रन किया, एग्जीक्यूट किया, नाउ यू कैन सी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिला क्योंकि इस पर कोई की कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा हुआ था। अगर आप अब टेबल को चेक करेंगे तो वहां पर पोस्ट नहीं दिखाई देगा। तो इतना हमने जाना है यहाँ पर कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ देखिएगा। फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है जब दो टेबल आपस में कनेक्ट की जाती है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक टेबल वन है, इसमें एक कॉलम है प्रोडक्ट आईडी और एक कॉलम है प्रोडक्ट नेम। इसमें कुछ रिकॉर्ड में डाल देता हूँ, समथिंग लाइक P1, प्रोडक्ट का नाम मैंने डाल दिया लैपटॉप, दूसरा रिकॉर्ड डाला मैंने P2 और इसका नाम डाला मोबाइल। अब मान लीजिए मुझे इसकी जानकारी एक दूसरी टेबल में स्टोर करवानी है जिसका नाम है टेबल 2, इसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो जब आप टेबल 1 को टेबल 2 से कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर वो कॉलम जिसपे प्राइमरी की लगा हो वो आप यहाँ पर ऐसा फॉरेन की यूज करेंगे कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर आप लोगों ने लगा रखा है प्राइमरी की। तो जब मैं इस कॉलम को एज अ फॉरेन की यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा तो जो मेरी कॉलम का नाम है मैं वही रखूंगा, इसका जो डाटा टाइप आपने लिया होगा भविष्य में, फ्यूचर में, पास्ट में, वही आप रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। आप अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बनाए अपने, जैसे प्रोडक्ट की पोस्ट क्या है, प्रोडक्ट की कंपनी कौन सी है, इस तरीके से रिकॉर्ड आप डालें। तो यहाँ पर जो ये कॉलम है ये एज अ फॉरेन की यहाँ पर यूज होगा, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। अब यहाँ पर जब आप रिकॉर्ड डालेंगे तो प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, ये आपके डाटा को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है डाटा आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। डाटा कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर कोई रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पर वही रिकॉर्ड एंटर होगा जो एज अ प्राइमरी की यहाँ मौजूद होगा। यहाँ पर देखिए कौन से रिकॉर्ड मौजूद है, एक तो P1 मौजूद है और एक P2 मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर सिर्फ P1 और P2 की एंट्री कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर करता हूँ जो मौजूद नहीं है वो आपको तुरंत एरर मार देगा। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जो है ही नहीं, समथिंग लाइक P3, और इसकी कोस्ट डाल देता हूँ 400, कंपनी का नाम डालता हूँ LG, ये मुझे तुरंत यहाँ पर बोलेगा रॉन्ग यानी एरर, ये भाई गलत है, ये रिकॉर्ड एंटर नहीं होने देगा ये, और हमारे सिस्टम में कभी भी ये रिकॉर्ड एंटर नहीं हो पाएगा। द रीजन इज दैट आईडी नॉट एग्जिस्ट इन टेबल 1, ये जो रिकॉर्ड आप डालेंगे यहाँ मौजूद होने, इसलिए डेटा को कनेक्ट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को डाटा इंटीग्रिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है, डाटा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड एंटर करा P1 का, मेरे पास मान लीजिए दो लैपटॉप है अलग अलग कंपनी के, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो ये एक लैपटॉप है जिसकी कीमत 34,000 रुपए है और ये एक डेल का लैपटॉप है, हो सकता है। मेरे पास एक और लैपटॉप है जिसकी कीमत 12,000 रुपए, सेकेंड हैंड लैपटॉप है और ये एसर का है, हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि प्राइमरी की में जब आप कोई वैल्यू डालते हो तो वो रिपीट नहीं होती है, लेकिन फॉरेन की में जब वो डेटा जाता है तो बार बार रिपीट हो सकता है। इसको लाइव एग्जांपल, प्राइमरी मतलब देसी, फॉरेन मतलब विदेशी। जब आप यहाँ से लंदन घूमने जाएंगे तो आप विदेशी हैं, एक बार गए, अगर आप दोबारा जाएंगे तो क्या रोक देंगे वो आपको, यू कैन मूव, यू कैन विजिट, तीसरी बार जाओ यू कैन विजिट, चौथी बार जाओ यू कैन विजिट। लेकिन अपने देश में जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक आईडी मिलती है, दोबारा बनवा के देखो वही मिलेगी, बोलेगा सिस्टम बना हुआ है मेरे लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द फॉरेन। यू आप फॉरेन की के रूप में बार बार जा सकते हो, रिपीटेशन मे बी अलाउ इन अ फॉरेन की, रिपीटेशन मे बी अलाउ। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है डाटा को इंटीग्रेट करना, यानी फॉरेन की अगर आपने किसी एट्रीब्यूट पे लगाई है तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा जो एज अ प्राइमरी की पहली टेबल में मौजूद ना हो, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी फॉरेन की। अब ये स्ट्रक्चर एज अ स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए। अब मैं इसको टेबल में क्रिएट करने वाला हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, अब इसको टेबल में क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल जब इसका बनेगा तो कैसे बनेगा यहाँ देखिए। अब आप देखिएगा यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर पहले खोल के रखें। हमारे पास जो टेबल है वो एक प्रोडक्ट टेबल है, यू कैन चेक इट, ये हमारे पास टेबल है। इसमें तीन एट्रीब्यूट है और इसमें पी आई डी वैरकर 33 के साइज से है। अब मैं प्रोडक्ट इन्फो टेबल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट इन्फो। जब मैं इसमें एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट आई डी, डेटा टाइप लिखूंगा वैरकर और इसका साइज 33। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, फॉरेन की बाद में लिखी जाती, कुछ नहीं लिखना आपको। अब जो बाकी की एक्स्ट्रा फील्ड थी वो बनाओ, क्या क्या थी एक्स्ट्रा फील्ड, प्रोडक्ट की कोस्ट,
प्रोडक्ट की कंपनी, ये लिख दीजिए यहाँ पर। अब फॉरेन की यहां लगेगी, आप यहां लिखेंगे फॉरेन की, किस फील्ड पे लगाना है, पीआईडी पे लगाना है। रेफरेंस कहां से लेना है यहां बताइए, कौन सी टेबल है वो प्रोडक्ट टेबल है, कॉलम कौन सा है प्रोडक्ट आईडी, समझ गए। इसको पूरी जानकारी आपने बता दी कि किस टेबल की किस फील्ड से आप जो है डेटा कनेक्ट करने वाले हैं, वो समझ गया कि फॉरेन की इस टेबल में किसको बनाएगा, वो फॉरेन की बनाएगा पीआईडी को। उसको पता कैसे लगेगा प्राइमरी की कहां है ये प्रोडक्ट टेबल में आईडी पे लगा हुआ, उसको कनेक्टिविटी पता लग गई। तो जब भी इस टेबल में यहाँ कोई रिकॉर्ड डालोगे तो वो पहले इस टेबल में जाके यहाँ चेक करेगा है कि नहीं है, अगर मौजूद है तो चलेगा, नहीं तो नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को फॉरेन की या कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, अब इसमें एक दो रिकॉर्ड की एंट्री करके देखते हैं आपके सामने। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टेबल का डाटा दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल का डेटा है, देख सकते हैं P1 और P2। अब मैं आपको पी इन्फो में एंट्री करके दिखाऊंगा, मैं लिखा इंसर्ट इनटू पी इन्फो, कौन सी फील्ड है, पी आईडी हो गया, पी कोस्ट हो गया, पी कंपनी हो गया, तीन फील्ड है। अब मैं इसमें वैल्यूज डालता हूँ, तो वैल्यूज के नाम पर मान लीजिए मैंने डाला एक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मैंने डाल दिया P1, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि मौजूद है वहां पर, और मैंने कोस्ट डाल दी इसकी लेट अस सपोज 34,000 जैसा बोला गया था। कंपनी का नाम मैं डाल देता हूँ डेल, ये ले लेगा, इट विल बी एक्सेप्टेबल। आप रिकॉर्ड को एंटर करा दीजिए, जैसे आप रन करेंगे ये रिकॉर्ड आपके सिस्टम में जाता हुआ सा नजर आएगा, यू कैन चेक इट। अभी बोल रहे हैं नहीं जा रहा, अब देखते हैं क्यों नहीं जा रहा। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम पी इन्फो है ही नहीं, यानी मैंने टेबल या तो क्रिएट नहीं किया, टेबल को क्रिएट करो, टेबल क्रिएट हो गया, अब आप इसे रन करो, टेबल क्रिएट नहीं था इस वजह से एरर दिया, रिकॉर्ड चेकेड वन रिफेक्टेड। अब आपको वो पी इन्फो में डेटा दिखा देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पी इन्फो, मैं दोनों टेबल आपको एक साथ रन करके दिखाता हूँ, आप दो कमांड एक साथ भी रन कर सकते हो। तो दोनों टेबल का डाटा ऊपर नीचे आपको दिख जाएगा, ये देखिए प्रोडक्ट का डाटा, पी इन्फो का डाटा दिख रहा है। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक और एंट्री करता हूँ P1 की, इस बार जो लैपटॉप है 12,000 का है और इसकी जो कंपनी है वो एसर है, तो ये ले लेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा, डोंट वरी, यू कैन चेक इट। ये गया, अब डाटा देखिए, इट विल बी एक्सेप्टेड, दिख रहा है। अब इसमें मान लीजिए मैं एक ऐसी एंट्री करता हूँ जो मौजूद ही नहीं है प्राइमरी की, P3 नाम की कोई की नहीं है यहाँ पर, देखो कोई डाटा नहीं है। अब मैं इसमें रिकॉर्ड एंटर करता हूँ 10,000 का लैपटॉप है HP का, मैं रिकॉर्ड एंटर करूंगा, एरर दे देगा, एरर। सो इस कॉन्सेप्ट को फॉरेन की प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, दो टेबल के डाटा को कनेक्ट करने के काम आता है। बाद में हम इसमें क्वेरी लगाना सीखेंगे, जब दो टेबल में डाटा होता है तो क्वेरी लगा के कैसे निकाला जाता है। जैसे किसी ने आपको ये बोल दिया ये डाटा है आपके पास, और किसी ने आपको ये बोल दिया ये बताओ हमारे पास लैपटॉप कितनी कितनी कीमत के हैं। अब लैपटॉप तो पता लग रहा है हमारे पास एक लैपटॉप है, जैसे प्रोडक्ट P1 जो है वो किस कौन कौन सी कैटेगरी का है, तो कौन कौन सी कंपनी का है, तो मेरे को पता करना है लैपटॉप किस किस कंपनी का है, HP का भी है, डेल का भी है, और ये कंपनी का जो डाटा है वो इस टेबल में नहीं है, वो अलग से टेबल में है, और यहाँ पर कहीं लैपटॉप नहीं लिखा हुआ। तो मल्टीपल टेबल से डाटा निकालते वक्त ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे। सो आई होप सो आपको प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं जिसका नाम देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट की। कंपोजिट की एक्चुअली क्या होती है, जब आप किसी टेबल पर दो एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दो एट्रीब्यूट पे आपको प्राइमरी की लगाना है, वहां कंपोजिट की लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां हम कंपोजिट की कैसे लगाएंगे और क्या सिचुएशन होती है, अवस्था क्या होती है उसको जानते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस तरह का रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए किसी कंप्यूटर सेंटर का नाम या किसी कंपनी का नाम मैंने लगा दिया, या फिर किसी कॉलेज का नाम मैंने लिख दिया, एंड द कॉलेज नेम इज लेट सपोज WIT कॉलेज। अब इसमें एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, टेबल का मैंने पहला एट्रीब्यूट बनाया स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, कोर्स नेम। तो थोड़ा सा ये वर्चुअल लैपटॉप है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो टेबल कॉलेज का नाम है WIT कॉलेज, और फील्ड का नाम है स्टूडेंट आईडी, टीचर आईडी, स्टूडेंट का नाम, टीचर का नाम और कोर्स। अब एक और डालते हैं, एक स्टूडेंट है S1 जिसका नाम है, टीचर की आईडी T1 है, स्टूडेंट है राम और टीचर है नरेश, ये जावा पढ़ रहा है। यही स्टूडेंट एक दूसरे टीचर पे दूसरा कोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आ रहा समझ में, कर सकता है, टीचर आईडी T2, स्टूडेंट का नाम है राम, टीचर का नाम है मनीष, ये इनके पास .NET पढ़ रहा है। अब एक दूसरा स्टूडेंट है S2,
अब मेरे पास एक दूसरा टीचर है स्टूडेंट टू के नाम से, इसकी टीचर आईडी जो है वो T1 है, यानी दूसरा बच्चा पढ़ सकता है ना एक टीचर से, यू कैन टीच। अब यहाँ देखो रिपीटेशन किस तरीके से आ रही है। ओके, बच्चे का नाम है मनीष, मनोज लगा लीजिए मनोज, और ये कौन सा टीचर होगा, नरेश होगा, क्या पढ़ रहा होगा, इस पे जावा पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं इसके ऊपर प्राइमरी की लगाऊंगा तो ये रिकॉर्ड जा नहीं पाएगा, इस पे प्राइमरी की लगाऊंगा तो ये रिकॉर्ड नहीं जा पाएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ सोचना होगा, मुझे सोचना होगा कि यूनिक पेयर किसको बना सकता हूँ, तो क्यों ना दोनों पे लगा दूँ। अब दोनों की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, देखो पेयर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसकी पेयर की बात करूँ तो क्या बनता है, पेयर S1 T1, इसको पेयर की बात करूँ S1 T2, पेयर रिपीट नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी की दोनों पे लगी तो दोनों चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए एक साथ में। तो इस तरीके से जब हम किसी फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं उसको कंपोजिट की कहा जाता है, ठीक है। अब ये चीज मैं लगाकर दिखाता हूँ हाउ वी कैन क्रिएट। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी मैंने ले लिया इंटीजर, या फिर वैर कर ले लेते हैं, टीचर आईडी वैर कर ले लेते हैं, यहाँ पर एक लिख देता हूँ कोर्स खाली, वैर कर ले लेते हैं। अब दोनों पे लगानी है मुझे प्राइमरी की, तो प्राइमरी की दोनों पे लगी कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ प्राइमरी की किस पे लगानी है, SID पे, टीचर आईडी पे, बस बन गई कंपोजिट की। कंपोजिट की अलग से नहीं लिखनी है, कंपोजिट की इज अगेन अ प्राइमरी की, बट व्हेन यू अप्लाई द प्राइमरी की ऑन अ टू एट्रीब्यूट और मोर देन टू एट्रीब्यूट, कितने भी एट्रीब्यूट को कॉमा लगा के लगाने, तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। रन किया, क्रिएट हो गया। अब इसमें रिकॉर्ड डालकर देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, इंसर्ट इनटू WIT, रिकॉर्ड डाला SID में, TID में, कोर्स में, ये डाली वैल्यूज। अब पेयर देखिएगा किस तरीके से जा रहा है, मैंने स्टूडेंट की आईडी डाली S1, टीचर की आईडी T1, कोर्स का नाम जावा ले लेगा। दूसरा रिकॉर्ड देखिए, मैंने दूसरे रिकॉर्ड में यहाँ पर एंटर किया S1, दोबारा देखेंगे, लेकिन टीचर आईडी बदल दी, ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेगा। मैंने फिर से रिकॉर्ड को बदल के डाला, मैंने इस बार डाला इसमें S2, और यहाँ पर टीचर आईडी T1, ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर रिपीट नहीं हो रहा है, ले लेगा। मैंने फिर से रिकॉर्ड को चेंज करके डाला, मैंने रिकॉर्ड को चेंज करके यहाँ पर डाला लेट अस सपोज S3, टीचर की T2 ले लेगा, पेयर रिपीट नहीं हो रहा है, बिंदास लेगा, ये ले लेगा। अब टेबल को चला दीजिए, सारे रिकॉर्ड आपको टेबल में मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट। चार रिकॉर्ड आ गए, टेबल को चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम WID, रन किया कमांड, रिकॉर्ड आ गया। अब इस रिकॉर्ड में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए एक रिकॉर्ड आपको ऐसा प्रिंट करके दिखाते हैं जो नहीं जा सकता, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर S2 और T1 का एंटर कराऊँ, ये नहीं लेगा, S2 और T1 देखो कहीं है, कहीं देखो पहले आ चुका है ये पेयर, तो लेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं लेगा, प्राइमरी की का वायलेशन। सो आपने यहाँ पर चारों की सीख ली है, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, आपको डेटा का आंसर मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं डिफॉल्ट सेक्शन पे और नॉट नल पे, ठीक है। डिफॉल्ट और नॉट नल, नॉट नल यहाँ नहीं, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। एक और कंस्ट्रेंट्स होता है नॉट नल। नॉट नल में क्या होता है, किसी एट्रीब्यूट के अगर आपने आगे नॉट नल लगा दिया तो एट्रीब्यूट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का अर्थ होता है कि मान लीजिए जब आप किसी एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या लेता है, नल। मैं चाहता हूँ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल ना जाए, उसकी जगह मैं कुछ और डाल दूँ, उसके लिए हम डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक डेटा तैयार करते हैं यहाँ पर। तो टेबल का नाम मैं ले लेता हूँ गर्ल्स कॉलेज, यानी GC। क्रिएट टेबल गर्ल्स कॉलेज GC। टेबल स्टार्ट किया, बंद किया, यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी इंडिजर, इस पे लगा दिया प्राइमरी की ताकि यूनिक रिकॉर्ड जाए। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर मैंने लिखा वैर का। अब मैं चाहता हूँ इसमें नल वैल्यू ना जाए तो मैं लगा दूंगा नॉट नल। अब इसमें नल वैल्यू नहीं जाएगी, पहले चली जाती। अच्छा, मैंने लिखा स्टूडेंट एज, यहाँ लिख दिया इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ इसमें भी नल वैल्यू ना जाए, नॉट नल लगा देंगे। अब लिख दिया स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट जेंडर मैंने यहाँ पर वैर का डेटा टाइप दे दिया। एक बात बताइए, कॉलेज कौन सा है, गर्ल्स कॉलेज है, तो किसी लड़की से हम पूछे अपना जेंडर बताओ अच्छा लगता है क्या, नहीं, हम फॉर्म में डालेंगे नहीं वो फील्ड, सीधी सी बात है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम में तो फीमेल जाना चाहिए ना, अगर मैं इस फील्ड को नहीं डलवा रहा हूँ तो सिस्टम तो नल उठा लेगा, तो इस चीज को हम रिप्लेस मार देंगे डिफॉल्ट से, हम लिख देंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में डाल देंगे फीमेल। अब समझ जाएगा सिस्टम, ओके, नल नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू फीमेल, वो समझ गया।
अब रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए आप और चला डालिए। अब रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, देखिए इंसर्ट इनटू गर्ल्स कॉलेज, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, चलिए मैं नाम नहीं डालता, एज डाल देता हूँ, जेंडर नहीं डालता। अब देखिए क्या होगा, मैं आईडी डालता हूँ S1, एज डाल देता हूँ 22 साल। जैसे ही आप रन करेंगे एरर आ जाएगा, वजह नेम की है, नेम को आपने कुछ नहीं दिया, नल वैल्यू लेगा, नल वैल्यू बोलेगा मैं तो लूंगा नहीं, नोट नल लगा रखा है आपने, तो ये देखिए प्रॉब्लम, नेम का पंगा था ये, ठीक है। सबसे पहले पंगा तो इसने आईडी का दिया, इंटीजर टाइप था, ऐसे मत दीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा नॉर्मल ऐसे जाएगी, लेकिन नेम पे पंगा आने वाला है, वो आप देखिए, ये नेम का पंगा बन गया, उसने दिक्कत दे दिया मुझे नॉट नल वाला। अब भाई ये बोल रहा है नाम की वैल्यू जरूर दो, मैं नाम को दे देता हूँ वैल्यू, नाम के लिए मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ रानी। अब ये ले लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, देखो आईडी सही सलामत जाएगी, यूनिक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, नेम और एज में दे ही रहा हूँ तो नल वैल्यू का कोई सीन नहीं है, वो चला गया। जेंडर में कुछ नहीं दे रहा तो नल नहीं जाएगा, फीमेल जाएगा इस बार, जबकि मैंने लिखा नहीं है फीमेल। एग्जीक्यूट, अब चेक कर लीजिए आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज, तो आपको वहां पर जेंडर में फीमेल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू के साथ खेलते हैं, इस तरीके से हम कंस्टेंट्स के साथ खेलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा टेबल के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। वैलिडेशन का अर्थ होता है, मान लीजिए कल को आप एक टेबल बनाते हो, किसी स्टूडेंट का एडमिशन करते हो, और जिसका आप एडमिशन करते हो आपको बोल दिया गया है कि इस स्टूडेंट की एज अगर 18 से कम है तो इसका एडमिशन नहीं करना है। तो वहां पर मैं टेबल में डाटा इंसर्ट करने से पहले चेक करूंगा कि आपकी एज कितना है, अगर उसकी एज 18 से कम होगी तो रिपोर्ट एंटर नहीं होगा। तो मैं वहां पर एक कंस्ट्रेंट्स लगा दूंगा, और कंस्ट्रेंट्स में मैं कुछ इस तरह की कंडीशन लगाऊंगा, अगर इसकी एज 18 या उससे बढ़ी है तो ये डाटा इंसर्ट हो, वरना ना हो, तो उसे हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, चेक कंस्ट्रेंट्स। उस चीज को मैं कैसे लगाऊंगा वो भी देख लीजिए आप। फिर से हम एक टेबल बनाते हैं, वोटर, वोटर कार्ड, स्टार्ट किया, बंद किया, पहले फील्ड ली वोटर आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, ताकि यूनिक आईडी जनरेट हो, वोटर कार्ड वाले बंदे का नाम लिखा, अब उसकी एज ली, अब ये एज को मुझे यहीं पे चेक करना होगा, उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट्स लगाऊंगा, चेक कंस्ट्रेंट्स, यहां पर मैं कॉलम को बुलाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अब ये समझ गया, अब इसे रन कर दीजिए। अब इसमें आप रिकॉर्ड एंटर कराइए, हाँ सर लेकिन जैसे हम इसमें रिकॉर्ड एंटर कराते हैं, नॉर्मल अपनी क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू कॉलम के जितने भी नाम है वो आप डाल दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टेबल का नाम, और टेबल की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक एक करके स्पेसिफाई करेंगे। तो एट्रीब्यूट इज वाटर आईडी, वाटर नेम, एंड लास्ट वन इज वाटर एज। लेना सर कुछ सर, ये माउस है ये लगा हुआ है, अच्छा ये है ना, हाँ सर लगा हुआ है। तो मैंने लिखा हाँ वाटर एज, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने यहाँ पर वोटर आईडी में डाल दिया लेट सपोज 12, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी, वोटर नाम में डाल दिया राज, और वोटर एज में मैंने डाल दिया 12 साल, ये एरर दे देगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ये जाएगी ऊपर चेक होने के लिए, चेक होने के बाद यहाँ पर डाटा मिलेगा नहीं मेरा माउस का, अब मैं यहाँ पर इस कमांड को रन कर दूंगा, एरर आ गया। अब इसको सही कैसे करेंगे, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को 19 करूंगा ये वैल्यू ले लेगा, चला गया। अब हम इसको चेक कर लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटर कार्ड। तो ये थे सारे कंस्ट्रेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में चला के, चलिए आज की क्लास हम ओपन करते हैं।